उत्सव के अवसर पर बॉलीवुड में भी विशेष रौनक देखने को मिलती है। सेलिब्रिटीज अपनी श्रद्धा के अनुसार गणपति की पूजा अर्चना करते हैं और पंडालों में जाकर बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 7 सितंबर को मुकेश अंबानी के घर पर गणेश उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। हालांकि बच्चन परिवार का कोई सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था। इसी बीच ऐश्वर्या राय बच्चन अपने परिवार के साथ गणपति दर्शन के लिए मुंबई के जीएसटी सेवा मंडल गणपति पंडाल पहुंची। उसके साथ उनकी बेटी आराध्या और मां वृंदा राय भी थी। पंडाल में भीड़ के कारण ऐश्वर्या राय को निकलने में दिक्कत हुई और भीड़ ने उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दी। लोग उनकी सादगी और सौंदर्य की तारीफ कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय ने इस अवसर पर हल्के गुलाबी और मैजेंटा रंग के सूट पहने हुए हैं, जबकि उनकी बेटी आराध्या ने पीले रंग का सूट पहना था। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि ऐश्वर्या, वृंदा और आराध्या को कार तक पहुंचने में कठिनाई हुई। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी और मां को संभालते हुए कार में बिठाया। इस दौरान ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन का कहीं कोई चेहरा नजर नहीं आया। हाल ही में ऐश्वर्या राय की अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बिना अभिषेक बच्चन के शामिल होने के बाद उनके परिवार के बीच अनबन की अफवाहें उड़ी थी। इस बार भी ऐश्वर्या का अकेले पंडाल जाना लोगों की निगाहों में आया है। ऐश्वर्या राय की गणपति दर्शन यात्रा ने एक बार फिर से उनके परिवार के बीच की जटिलताओं को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है, साथ ही उनकी सुंदरता और सादगी को भी दर्शाया है।